वेलकम टू माय चैनल देसी कुक। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हैदराबाद की वन ऑफ बेस्ट रेसिपी जो हम अक्सर दावतों में खाते हैं, रेड चिकन फ्राई। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बोल ले लेंगे, उसमें एक कप दही डाल लेंगे, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर और दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। और इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा नमक और एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इसमें हम चार चम्मच सॉस डाल लेंगे और 1/4 कप तेल ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा फूड कलर कलर के लिए, और एक नींबू का रस डाल लेंगे। अब ऐड कर लेंगे हरा धनिया और पुदीना। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमारा पेस्ट बनकर तैयार है, इसे हम चिकन मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है बोन के साथ। आप इस रेसिपी को बोनलेस भी बना सकते हैं या लेग पीसेस में भी बना सकते हैं। आप चिकन के कोई भी पीसेस में ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से मैंने पीसेस को थोड़ा बड़ा रखा है, आप चाहे तो छोटे भी रख सकते हैं। सारे पेस्ट को हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे, इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए, उसके बाद हम इसे बना लेंगे। सबसे पहले हम ऑयल डाल लेंगे 20 ग्राम, इसमें बहुत ही कम ऑयल लगता है। अब ये चिकन पीसेस को हम डाल लेंगे। बची हुई जो ग्रेवी है इसकी, इसको भी इसके ऊपर डाल लेंगे। इसको हाई फ्लेम पे हम 5 से 7 मिनट तक इस तरह से पका लेंगे। पानी ऐड नहीं करेंगे, इस मसाले को हम इस तरह से पका लेंगे, इस तरह से ढककर पका लेंगे। फ्लेम को लो कर देंगे और 15 से 20 मिनट इसे धीमी आंच पर पका लेंगे। बीच बीच में मिलाते रहना है ताकि बर्तन को चिपके नहीं। इतने टाइम में बहुत ही अच्छे से पक जाएगा और चिकन भी अच्छे से गल जाएगा। इसी तरह से 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे भूनते जाएंगे, उसके बाद कवर कर लेंगे और पका लेंगे। अच्छे से भून चुका है चिकन, तेल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है। लास्ट में इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा पुदीने के पत्ते, एक पत्ता, थोड़ी हरी मिर्च। हैदराबादी स्टाइल दावतों वाला रेड चिकन बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ या चावल के साथ या पराठे के साथ। आप यकीन मानिए, ये रेसिपी सिर्फ दिखने में ही नहीं, खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगेगी। अगर आपने इस तरह का चिकन कभी नहीं बनाया है तो आप एक बार ज़रूर बनाएं और अपने फीडबैक्स दें। मैं आपको इसे तोड़कर बताती हूँ ये अंदर से किस तरह से फ्राई हुआ है। तो हमारा चटपटा सा फ्राई चिकन की रेसिपी आपको कैसी लगी, ज़रूर कमेंट करें। और भी इस तरह की यम्मी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। आज मैं आपके साथ हैदराबादी दावतों में बनने वाली ग्रीन चिकन फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बेहद ही आसान है और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको रेडी हो जाएगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हम पहले इसका ग्रीन पेस्ट बना लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे 15 हरी मिर्च ले लेंगे और हरा धनिया ले लेंगे डंडियों के साथ 2 कप और पुदीने की पत्तियाँ 1 कप। अब हम इसमें थोड़े से काजू डाल लेंगे और 1 कप गाढ़ा वाला दही डाल लेंगे। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है। मैं यहाँ पे चिकन के थोड़े से बड़े पीसेस ले रही हूँ बोन के साथ। आप छोटे चिकन के पीसेस के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं या बोनलेस चिकन के साथ भी बना सकते हैं या फिर लेग पीसेस के साथ भी बना सकते हैं। अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1.5 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल लेंगे, 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हमने ग्रीन पेस्ट बना के रखा है ना उसको ऐड कर लेंगे और हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को हम कम से कम आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, तभी चिकन में अच्छे से मजा आएगा। नहीं तो चिकन खाने में एकदम रबर जैसा टेस्ट करेगा। अब मैरिनेट करके इसे ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग बना सकते हैं। अब इसको हम बना लेंगे। सबसे पहले हम डाल लेंगे 20 ग्राम्स घी और 20 ग्राम्स तेल। अब हम चिकन पीसेस डाल लेंगे। हमने इसमें काजू ऐड किया है, तो जब भी कोई भी हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं करी इसमें तो ये बहुत ही जल्दी बर्तन को चिपकने का डर होता है, तो इसको अब कंटिन्यूसली मिलाएंगे हम। अब ये जो बचा हुआ ग्रीन पेस्ट है उसको भी डाल लेंगे। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, यही मसालों में चिकन अच्छे से पक के रेडी हो जाएगा।
अब इसको हम धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे। इसे अच्छे से भुनना है हमें, जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए और इस तरह से नजर ना आ जाए, जब तक हमको इसे भूनना है। अच्छे से भुन चुका है चिकन, थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल लेंगे, हरी मिर्च, करी पत्ता और थोड़े से काजू। अब इसको हम सर्व कर लेंगे और देख लेंगे कि कैसे बना है। मैं आपको चिकन पीस को तोड़कर बताती हूँ कि कैसे पका है अंदर से। बहुत ही अच्छे से गल चुका है चिकन, तो आप भी ट्राई करो घर पर जरूर और घर वालों को जरूर खिलाओ। और भी इस तरह के टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस तरह से मुझे सपोर्ट करो। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर लो और कमेंट करके अपने फीडबैक्स भी जरूर देना। आज मैं आपके साथ चिकन फ्राई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये चिकन फ्राई की रेसिपी मैं लेग पीस के साथ बना रही हूँ, आप कोई भी चिकन पीसेस के साथ इसको बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में हम 1/4 कप दही डाल लेंगे, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चिकन मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर लें, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इसमें टमाटो सॉस डाल लेंगे 4 चम्मच, और 2 चम्मच तेल को डाल लेना है। फिर मैं 2 चम्मच इसमें नींबू का रस ऐड कर लूंगी, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा, चिकन अच्छे से गल जाएगा, आप इंस्टेंट बनाएंगे तो चिकन कच्चा भी नहीं रहेगा। इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च एक बारीक कटी हुई और थोड़ा सा पुदीना, इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें लेग पीसेस को ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मैं इस ट्रांसफर कर लूंगी इस डिश में। अगर आप चाहें तो इसे मेक एंड फ्रीज भी कर सकते हैं, और जब भी आपको बनाना है आप निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। अब इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। इस तरह से 3 से 4 चम्मच तेल डाल लेंगे और तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम चिकन पीसेस को डाल लेंगे और उसके ऊपर डाल देंगे जो मसाला बचा हुआ है उसको भी डाल देंगे। और मीडियम फ्लेम पे पहले 1 से 2 मिनट इस तरह से भून लेंगे। फिर अब हम धीमी आंच कर देंगे, इसको 5 से 7 मिनट पका लेंगे। फिर बीच बीच में मिलाते रहेंगे इस तरह से चिकन पीसेस को। सारा मसाला अच्छे से कोट हो गए तक पका लेना है हमको। तेल भी अच्छे से सेपरेट हो चुका है, बस ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। मैं आपको इसे तोड़कर बताती हूँ, आप देख लो ये इंस्टेंट बनाने के बाद भी कितनी अच्छे से गला है और बहुत ही मसालेदार भी बना है। तो आपको कभी भी चिकन फ्राई इंस्टेंट करना हो तो थोड़ा सा सोडा ऐड कर ले उसमें, तो इससे चिकन भी अच्छे से गल जाएगा और सारे मसाले चिकन में अच्छे से आ जाएंगे। तो और भी इस तरह के डिलीशियस और यम्मी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर भी कर लें। जल्दी मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं।